भाइयों, ग्रीन स्क्रीन का असली इस्तेमाल करना कोई इनसे सीखे इनसे। कुछ कितना हो रहा भाई, ये अलग ही मौज में बैठकर फुल मौज। सुख आनंद सब प्राप्त हो गया इसे वीडियो बनाने के बाद। अरे भयंकर भाई, अगर ये लड़की ने वीडियो देख लिया ना, साला सदमे में पहुंच जाएगी वो। स्वागत है आपका नई वीडियो में। मैंने मेरी सेकंड लास्ट वीडियो में पूछा था कि तुम्हें इस पाकिस्तानी शो के ऊपर पूरा वीडियो चाहिए क्या? क्रिटिसिज्म को कैसे फेस किया? मेरे ख्याल से जो है ना, ये जिस मुआशरे में हम रहते हैं ये जरूरी है। अगर आपने सह लिया तो आप आगे बढ़ गए। आपने कितना सहा है? सह ही रहा हूँ अभी तक। अभी तक सर दर्द हो रहा होगा। मैं क्या कर रहा, बकरी है क्या भाई? तुम सब ने बोला हाँ भाई, जल्दी से बता दे, तो मैंने सोचा भाई ठीक है जल्दी से ही बना देते हैं। गाइस, मैं तुम्हें इस शो के बारे में थोड़ा सा बता दूं। पाकिस्तान के जो भी टिकटॉकर्स या फिर इंस्टाग्रामर्स होते हैं फेमस, वो इस शो के अंदर आते हैं इंटरव्यू देने। लेकिन ये जो एंकर है ना, ये इन सबकी ले लेती है। अच्छा, दुश्मन तो पाले होंगे जिंदगी में बहुत ज्यादा है। खैर होता है। नहीं, मेरे बहुत से दुश्मन है, तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि मुझसे बच के रहें। क्योंकि मुझे कमर में दर्द है। वहाँ बैठा के जिंदा रोस्ट कर दिए भाई ने मासूमों को बिना खबर लगे। पता ही एंकर कौन है? तुम वाला मीम याद है? और वाला पाकिस्तानी मीम जो था, आज अपने कपड़े बहुत अच्छे पहने हुए हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं आज आप। और आपके मम्मी मुझे चूस रहे हैं। वही है ये, मेरी 18 होने वाली है। 18 होने वो अभी तक तो, मतलब वैक्सीनेशन अगले साल लगेगी है ना? अगले साल या इस साल? इसी साल अक्टूबर में। इसी साल, ओके ग्रेट। गाइस, मैंने भी अक्टूबर के अभी शुरू में वैक्सीन लगवा ली थी, तुमने नहीं लगवाई हो तो जल्दी लगवा लो। अक्टूबर खत्म होने वाला, उससे पहले वैक्सीन लगवा लो, ठीक है? मैंने भी अक्टूबर में लगवाई थी। मुझे क्या पता डंडा आया, नाचते हो? नहीं नहीं, नाचते नहीं हम। तो क्या करते हो? ये टिकटॉक वाले करते हैं। एक्सक्यूज मी, भाई ये तो एक्सप्लोजन की तरह फटना शुरू हो गया भाई ये बंदा। भाई इसके मुंह से अक्टूबर सुन के तो मुझे लगा है शांति से बैठा रहेगा पूरे टाइम, लेकिन डैमेज हो रहा है। टिकटॉक वाले करते हैं हम बोल वाले। औकात में आ जाओ फौरन। हम बोल वाले, ज्यादा नहीं वाले नहीं है। तो बोल पे आके तुमने कौन सा एहसान कर लिया चैंपियंस में आके, ये बता दो मुझे। भाई लड़की से दो जोक नहीं सह गए, गुस्सा हो गई है वो तो। अच्छा, अभी चुप रहने वाला। कौन सा एहसान कर लिया चैंपियंस में आके, ये बता दो मुझे। बोलेगा तेरे साथ बैठा हूं, एहसान नहीं है इसकी उसमें। खतरनाक है वे लोंडा, तो बेंच रोस्ट करने पे लगा हुआ है वे। तुम्हें कैसे लगा वो शो? आर यू स्टिल ऑन? मजा आता है, हम लोग अभी उसी शो में। परिंदे आ जा भाई, आसमान से नीचे आ जा उतर आ। दीदी किस हवा में उड़ रही हो तुम? अभी भाई एपिसोड के स्टार्ट में बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई की बात कर रही थी। कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है तू, जहाँ पे यही नहीं सिखाया जा रहा लीस्ट डिजर्विंग और डिजर्विंग में क्या डिफरेंस है? जो है मीडिया साइंस में बहुत इंटरेस्ट है। इसका रिएक्शन देखो मैं। मेरे साथ गलत कर रहे हो तुम। अहमद, अहमद कौन? ये तुम्हें मेरे साथ गद्दारी की है सर बैठ कर? क्यों, ये क्या है? क्योंकि ये डिजर्व मैं भी कर सकती थी। तारे जमीन, हंसी आ रही यार मुझे, पता नहीं इसमें इतनी ज्यादा क्यों। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें हायरिंग एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। ये इंडिया का सबसे पहला ऐप बेस्ड हायरिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप 30,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स के फाउंडर्स और CXO से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और तो और इस एप्लीकेशन को यूज करना बहुत ज्यादा सिंपल है, तुम्हें बस अपने फोन में इसको इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद अपनी प्रोफाइल सेट करने के लिए कुछ इजी क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। देन आपकी प्रोफाइल बनने के बाद ऐप का जो एल्गोरिथम है आपको खुद से रिक्रूटर से मैच करवा देगा। हायरिंग पे सारे जॉब पोस्टिंग जो है वो 100% वेरीफाइड होते हैं, यहाँ जीरो कंसल्टेंसी है और यहाँ पे भाई कोई भी तुम्हें स्पैमर्स और स्कैमर्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपकी प्राइवेसी के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता, बिना आपकी मर्जी के आपका रेज्यूमे और कॉन्टेक्ट नंबर शेयर नहीं किया जाएगा इधर। सो गाइस, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, अगर तुम भी जॉब की तलाश में हो तो जाके हायरिंग डाउनलोड करो। हरी मिर्च खा सकती है?
खा तो सकती हूँ लेकिन खाने के साथ ये दिमाग खाती है बस अलग ही मजाक उड़ा रखी भाई टिकटॉक वाले की तो साला कोई इज्जत ही नहीं है इतने लड़ाकू थे वकार के शो पर जी जी तो भाई लड़का वकार जका के शो से आ रखा है अरे वही वाला शो भाई जिसमें नाक से सांप डाल के निकलवा देते हैं मुंह से इरादा मतलब उसका और कहीं से रहता लेकिन निकालते मुंह से ही है अभी भाई ये इतना सारा सैवेज होता जा रहा है वहां जाके वकार जकर की उड़ाई होगी इसने बढ़िया करके भाई अभी उसका एक वीडियो देखा पहले तो एक ही सांप मुंह में डलवा रहा था नाक में दो डालने को कह रहा है कंटेस्टेंट को नाक से डाला था सांप और मुंह से निकाला था एक ही टेक में किया था लड़की ने एक किया है तो इसको कितने करने चाहिए सर दो करने चाहिए एक में डालोगे पहले फिर दूसरे में भी डालोगे दोनों निकालोगे मुंह से हाँ साला मदारी का खेल चल रहा भाई नाक से सांप डाल के मुंह से निकालना तू होस्ट है ना यहाँ का तू खुद साले अपनी गाड़ में डाल के निकाल के दिखा पहले नहीं अपनी भी नहीं तू दूसरे की में डाल अपनी से निकाल नाक से डाल के मुंह से निकालूंगा कोई और भी रास्ता तो देख लो बहुत रास्ते पता है भाई ये साला ये प्रैक्टिस करता होगा भाई पहले मतलब खुद पे तरीके आजमा रहा होगा कि अभी मैं पहले नाक से डाल के बाकी जगहों से गांड से निकालने की प्रैक्टिस कर लेता हूँ बाद में किसी कंटेस्टेंट से भी करवा दूंगा अब इस बड़ुए को अभी तक अकल नहीं आई भाई कीपैड के जमाने से ट्रोल होता आ रहा है अभी तक उल्टी सीधी हरकतें कराता जा रहा भाई इसका शो चल गया सर मैं तो ये सोच रहा हूँ धक्का मार के एंजॉय किया जा रहा है ए भाई ये ज्यादा हो रहा है इसका हाँ मैंने बोला ना कि शो के अंदर मासूम मासूम लोग आते हैं इन्हें समझ में नहीं आता कि क्या बातचीत चल रही है ये भाई डबल मीनिंग बातें घुमा देगी उतने में तुम बताओ तुम्हारे इस बॉडी की वजह क्या है म्यूजिक दिन भर हाथ में लेके हिलाता रहता है ना फोन ट्रांजिशन वीडियो बनाता है ना चिच्चोकर है ना तो भाई इसीलिए खाना पीना छोड़ के एकदम वीडियो बनाने लगता है तो इसलिए थोड़ी सी है तो उसकी ऐसी है आपके मम्मी मुझे चूस में क्या राजा आप बहुत छोटी फॉलोअर्स है आपके मेरे 1.2 मिलियन ओके कहाँ से आते हैं ये लोग भाई ये शो साला पक्का टीवी पे आता पाकिस्तान में अबे डबल मीनिंग पे डबल मीनिंग बातें करे जा रही है वो डबल मीनिंग सवाल पूछे जा रही है के अंदर एक ना एक टैलेंट होता है नो डाउट तो फिर ये आप तो चुप रहे आप इग्नोर मोड पर है यू आर ब्लॉक्ड दिल से बुरा लगता है भाई माना उसकी सेहत अच्छी नहीं लेकिन इसका मतलब थोड़ी उसको बोलने का मौका नहीं मिला जाएगा गलत बात द गर्ल टॉक चलो वो हमें खुद से निकालने का एक आप डीप बहुत जा रही है यार समझ गया दोस्तों कि सामने दोनों को बैठा के उनकी ली जा रही है मतलब बेइज्जती की जा रही है मैं भी अजीब बोलने लग रहा हूँ अच्छा कंट्रोल करता हूँ मैं थोड़ा आप डीप बहुत जा रही है आम का जूस पिया था अभी एक महीना पहले आम आया ही नहीं है हाँ खाता हूँ चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ खेगा ओ भाई लेजेंड इज हियर खेगा हाँ खत्म साला उसके मुंह में पूरा का पूरा आम ठूस दिया है बे थोड़ा सा एक ट्रेलर होता है वो आप थोड़ा सा गुनगुना ले ईमानदार 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 दुकानदार क्यों लग रहे ये उंगलियों से कौन सा डांस हो रहा है बे बारात में आया है ईमानदार ईमानदार चाचा की शादी है जो ऐसे नाच रहा है ईमानदार ईमानदार बोलना उंगली नहीं दिखाए शादी में 10-10 रुपए लेने के लिए बच्चे नाच रहे होते हैं ऐसे जैसे भी ईमानदार ईमानदार कर रहा है मुझे लाइक मॉडलिंग एंड उसमें ज्यादा करना था तो क्या करना था मॉडलिंग में क्या करना था लाइक ब्रांड शूट्स और जो होते हैं बड़े बड़े साले का एक्सप्रेशन देखा एक नंबर का ठरकी लौंडा बैठा है उधर साइड में वो जो मोहल्ले के जिंदा हरामी लौंडे होते हैं ना उनमें से एक है वो क्या करना था लाइक ब्रांड शूट्स और जो होते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए जो कितने बड़े इतने बड़े समझ रहे हो ओए ओए ओ भाई ये एडिटर भाई जूनी ट्वीट्स कहां ज़ूम कर रहा है तू बड़े बड़े पे हाँ
गलत बात थी, ऐसा नहीं करते हैं इतने बड़े। सो गाइस बस ये वीडियो में इधर ही खत्म करते हैं। काफी ज्यादा डबल मीनिंग जोक सुन लिया और क्रैक कर लिया आज, इससे ज्यादा और नहीं। अगर तुम्हें वीडियो देखकर मजा आया हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा और अगला टॉपिक सजेस्ट करो वीडियो के लिए। और हाईरेक एप्लीकेशन डाउनलोड करना नहीं भूलना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से तुम डाउनलोड कर सकते हो। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और गाना सुन लो अगर अभी तक नहीं सुना है तो। ठीक है, टाटा। से ही प्यार बस मैंने किया ना यकीन, तो देख ले तो चीर के सीना। कहीं तू मुझसे दूर होके यूं खफा, रोता दिल ढूंढे अब तुझे हर जगह। तेरे हिस्से के गुलाब सूख गए हैं, तरस के आधे तेरी ही सताए। जब मैं बादल ये बरसते बूंदे पड़ती मिट्टी पे, उसमें भी मैं तेरे हुस्न का ही रंग ढूंढू। जिस्म के सब यहाँ खेल खेल, मैं आज भी गैर से आंखें मूंदू।